तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से वही क्षेत्रफल का भी वीडियो चल रहा है और उसी में आज हम लोग चलेंगे समलंब और उसके बाद हम लोग चलेंगे वृत्त या जो भी है उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जितने भी हैं मैं बता दूं समलंब के बारे में बता दें, ठीक है। समलंब, समलंब को अंग्रेजी में या हिंदी में ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम लोग इंग्लिश में टी आर ए पीई जेड आई यू एम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और समलंब का देखो फिगर ये ऐसे होता है, ठीक है, समलंब का ये दिमाग में रखना है, ये फिगर होता है, ये ए बी सी और डी। कभी कभी फिगर हम लोग ऐसे भी बना सकते, मतलब ऐसे भी बना सकते, उल्टा भी बना सकते, सीधा भी बना सकते, जैसे बनाने की इच्छा करे ऐसे भी बन सकता है। तो याद रखना जैसा दिया रहे तो वैसा करना है। ये हो गया, हम अगर ये ए मान लें और ये बी मान लें और इसके बीच में हाइट ये एच मान लें, यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये भी एच वही हो जाएगा। और याद रखना है तब ये हो जाएगा, ये पूरा अगर ए है यहां से यहां तक तो ये मतलब सॉरी ये बी है ना, ये तो हो जाएगा ए और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये सब याद रखना क्योंकि इस पर अभी हम लोग काम भी करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, चलें तब। और अगर इसको मिला देंगे ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण में ये एच और ये ए प्लस एक्स जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ए प्लस एक्स ये वाला है कि ना, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला ये 90 डिग्री होता है तो ये वाला जब निकालना हो ना तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे अब हम लोग सूत्र पर स्टार्ट करते हैं। पहला सूत्र हो जाएगा समलंब, खाली एक ही सूत्र तो दिमाग में रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। खतरनाक, यही दिमाग में रखना है, ठीक है, खतरनाक एकदम दिमाग में सेट कर लेना है प्लीज। दिमाग में सेट कर ली, कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सवाल तुरंत बन जाएगा फटाफट। अब खाली दिमाग में ये कुछ नहीं है, अब हर एक क्वेश्चन बनेगा तुम लोग से, तो यहाँ तक हम एकदम अथी रख देते हैं, ये सूत्र पर इधर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखता है क्या, तो पहला क्वेश्चन 93 देख पा रहे हो सब, 93 में क्या बोल रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजा कितना है, 2:3, मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, मतलब 2x और 3x, मतलब ए कितना दिया हुआ 2x, बी कितना दिया हुआ बड़का में से 3x, मतलब बड़ा मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला प्यारे बच्चों, आगे बोला उनके न्यूनतम दूरी, याद रखना न्यूनतम दूरी हमेशा एच होता है, याद रखना न्यूनतम दूरी क्या होगा, एच होगा, न्यूनतम दूरी क्या होगा, एच होगा। तो एच दिया हुआ प्यारे बच्चों कितना, 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो बोला समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कितना, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया जल्दी बता दो, 480 बराबर हो जाएगा 1/2 और a प्लस बी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा 12, मतलब हम लोग लिखेंगे कम और काम करेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम काम करेंगे ज्यादा, यानी कि एक बार बैठाए लिखे करे वो सब काम नहीं करेंगे, तो सीधे 12 से कटा देंगे कितना बार में, 40 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो हम कह सकते हैं x बराबर, अभी छोड़ना नहीं है, इन्हें x बराबर 8 ले लीजिए, सीधे गलती जाएगा, तो 8 दुना कितना हो जाएगा 16। तो पूछा क्या क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा देख लेंगे, क्वेश्चन में पूछा कि समांतर भुजाओं की ज्यादा लंबाई, तो ज्यादा लंबाई 3 वाला है, तो 3x खाली कर देना है, तो उधर कितना हो जाएगा 3 × 16 हो जाएगा, कितना 48 मिनट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तुरंत। तो अगर वीडियो देखने में उतना भी जबरदस्त नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बताना होगा थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजों को, और अच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, मैं भी जबरदस्त तरीके से मैथ बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि मेरा भी मैथ देखने के बाद आप भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अगर सोचेंगे अगर मेहनत करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। तो लगभग मेहनत आपको खुद थोड़ा सा अपने से भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिटा देते हैं ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला बार बार ये यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा ए बी सी डी एक समलंब है,
बना लेंगे एबीसीडी समलंब, है कि नहीं? एबीसीडी एक समलंब है, तो समलंब बना लेंगे। क्या बोला प्यारे बच्चों कि एबी समांतर डीसी है, ठीक है? एबी एबी बराबर टू सी डी, एबी बड़ा है तो इसका मतलब ये एबी ये ले लेते हैं क्या? Yes, तो ये सी डी हो जाएगा, कोई दिक्कत? एबी हो गया, एबी बराबर टू। अगर ये एक्स, ये एक्स है तो ये ऑटोमेटिक है टू एक्स होगा कि नहीं होगा? Yes, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ध्यान देना एकदम, एबी बराबर टू सी डी हो गया कि नहीं हो गया? अब प्यारे बच्चों क्या बोला, ए बी समांतर सी डी भी है, तो विकर्ण ए सी और बी डी को, ए सी आइए है, बी डी आइए है, और कहां पे कट गया? तो ओ पर मिलता, ओ पर मिला दिए। जब भी ए बी समांतर सी डी हो, याद रखना ए बी समांतर सी डी जब भी हो जाए तो ये कोणवा क्या होगा, क्यों होगा? एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। जब बराबर बराबर हो तो सिमिलर हो जाता त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समरूप हो जाता है। त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। यानी त्रिभुज ए ओ बी और समरूप क्या हो गया? त्रिभुज ए सी ओ डी। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई बोलो, समरूप का नियम जानते हो ना, ए समरूपता किए हैं, ठीक है? तो ए आज जब भी ऐसा होगा तो होवे करता है, ए भी समांतर सी डी हो तो ये कौन मार, ये कौन? जब भी देखो ए ऐसा रेखा जाएगा और ये काटेगा, ये दोनों समानांतर है तो ये कौन और ये कौन बराबर होता है, ये कौन और ये कौन बराबर होता है, ये कौन ये कौन सब बताया जाता है सब लाइन वाले में। तो अब ये हो गया, तो जब भी समरूप कोई होता तो उसका एरिया जो होता है, एरिया त्रिभुज ए ओ बी और एरिया त्रिभुज सी ओ डी जो होगा वो होगा प्यारे उसको भुजा का वर्ग का स्क्वायर। तो भुजा क्या है इसका, ए ओ बी में ये वाला ए बी और बटे क्या हो जाएगा सी डी। तो ए बी का वैल्यू कितना है एक्स और सी डी का वैल्यू कितना है टू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे फोर एक्स स्क्वायर। ये खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक अनुपात चार की सीधा। ए बी का मान, ए बी का मान गलती हो गया, ए बी का मान है टू एक्स और बाय टू एक्स का स्क्वायर और बटे एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये खत्म, तो क्या हो जाएगा फोर इज टू वन। लेकिन इसमें लगता है गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है? आंसर गलत दिया हुआ, एक चार अनुपात एक ही हो रहा है, तो एक अनुपात चार चार, इसको ठीक कर लेना, बी कर देना आंसर, ठीक है? क्योंकि कोई क्या राजू पंडित समझ पाया पहले क्या किए, सूरज कुमार समझ पाया क्या किए, आप सचिन समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा क्योंकि तेज दरार है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? और सब में हिम्मत रखिए, अगर आपके लिए कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सही है। हम आपको जबरदस्ती कोई चीज नहीं बोलते हैं, हमारा क्या मन है जी, आपका पैसा लग रहा है जी, हाँ आपका पैसा जबरदस्ती थोड़ा खर्चा करवाएंगे, क्या हमको दयाने लगता है क्या? बहुत लोग जबरदस्ती से नहीं, हम वैसे नहीं है कि हम आपसे जबरदस्ती खर्च करवाएंगे, आपकी जरूरत है। आप टेस्ट में नहीं देंगे तो आप बेस्ट नहीं हो सकते हैं, बिना टेस्ट दिए आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, ऐसा हम दावा सर बोलते हैं। इतना सेट जितना भी सब सेट मारता है, कोई टेक्स्ट बुक का, कोई अथी का, कोई ग्रेड अप का, कोई दूसरे सर का, बहुत लोग सब सेट बनाता है, सब सब खरीदता है, और पता है खरीदने में कितना लगता है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग नया नया बच्चा ना, अभी नहीं जानता, टेक्स्ट बुक खरीदने में पता कितना, ए बहू भैया टेस्ट खरीदने का पता कितना लगता है बता दो ये लोग को, 270 रुपया, ठीक है? 299 का दाम, 270 रुपया भी टेस्ट बुक का लग रहा है, उसके और भी, और वो उसमें भी ढेर टेस्ट रहता, 40 को टेस्ट रहता, वो अलग चीज, लेकिन कितना लोग लेता पहले पता है? लाखों लाखों लोग लेते हैं, लाखों लाखों लोग, सोचो उसको कितना पैसा उनको पास। अब तुम लोग जो यहाँ पे गजब करते, गजब गजब, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। 96 में पहुंचते हैं, 96 में क्या बोला प्यारे बच्चों, 95 भी होगा, और 95 तो बन ही जाएगा ना, बहुत इजी है 95 वाला, 95 वाला तुम लोग बनाओ सूत्र पर। लास्ट में निर्मल तुम पैसा ले, एक जल्दी जल्दी बना दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान है, सूत्र बैठा दो जल्दी जल्दी।
तो आ गया होगा कितना 10। बहुत बढ़िया। अरे कुछ नहीं है, एक समलंब क्षेत्रफल तो ये दिया, कितना दे दिया 105 बराबर 1/2। और ए प्लस बी, ए प्लस बी दिया 9+12, बड़ी बढ़िया दिया 9+12 गुना कितना एच निकालना है। तो ऐसे ऐसे करा दे 12 ना कितना होता 21, 21 बचे 105 एच बराबर सीधे ऊपर 5 ने लिख देना है 10 सेंटीमीटर। तो मिनटो का काम एकदम सेकेंडो में। अगर देखो, अगर हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन सीख गए तो धीरे धीरे छोटा नहीं क्वेश्चन अपने आप फुकाने लगेगा। अगर ये सब तो कुछ नहीं है। और उसी तरह का रेलवे में आता है, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बेसिक चीजों को नहीं जानते इसलिए हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक चीज को जानेंगे, जीके रटेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को जानेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम में क्या होता है पता, जानते हुए भी गलती करते हैं। गलती क्या हो जाता है, जैसे आप कंफ्यूज करते 50-50% में, वो 50-50% आपको दिक्कत करवाता है। आप जानते पढ़े हैं दोनों, क्योंकि आप टेस्ट नहीं मारते हैं ना, टेस्ट जब आप देने लगेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यह आंसर वहां होगा, क्योंकि आप चेक किए वहां। और इस तरह का आप मारे ऐसे डायरेक्ट मारते हैं, लगता है कि अरे ठीक है गलती कर दी, तो ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 96 पे। 96 में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 96 में बोल रहा है एक ट्रेपेज में क्षेत्रफल दे दिया। बहुत बढ़िया, लिख देंगे तुरंत 384 इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, समांतर भुजाएं दिया तो 1/2 और 3 जहां पे अनुपात दे सीधे उसके वो 3x होगा 5x क्या 3x और प्लस 5x और इंटू ऊंचाई दिया होगा निश्चित रूप से, लंब दूरी कितना दिया 12 दिया। तो यहाँ पे 6 खत्म हो गया और 6 से ही 6×6=36 खत्म हो गया, यहाँ पे 6×6=24 खत्म हो गया और 8 से 8 बार में खत्म हो गया, यानी x का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब x का मान 8 सेंटीमीटर हो गया तो भुजा का मान कितना हो गया, एगो 3x है यानी 3x कितना हो जाएगा, एगो 24 हो जाएगा और एगो 5x हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला प्यारे बच्चों, यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए, 24 को क्या कर दिया गया 2 को बढ़ा दिया 26 कर दिया, इसको भी 2 को बढ़ा दिया तो कितना हो गया 42 हो गया। तो बोलता है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि, पहले था कितना 384 इधर A1 कितना है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी बात है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 और 26 42 कितना होता है 26 42 68 होता है, गुना ऊंचाई में तो कुछ बोला नहीं इसलिए 12 ही लेंगे, है कि नहीं। अब कटेगा वही कितना बार में 6, 68 छक्का कितना होता है 6×8 48 68 छक्का नहीं आ रहा, छक्का तो आता है ना 6×48 408 और 384 से 408 हो गया, कितना वृद्धि हो गया 16×8=24 सेंटीमीटर² की वृद्धि हो गया, इसलिए वृद्धि कितना हो गया वृद्धि बराबर 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए आगे बढ़िए, बोलिए कोई दिक्कत है बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले 384 था ना जी यहाँ पे और हो गया 408, कितना वृद्धि हो गया 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो आप लोग बोलिए, तभी तो और भी बेहतर वीडियो बन पाएगा कि नहीं। बहुत लोग वीडियो देखता नहीं, इसका कारण यही है कि आप लोग बढ़िया से बताते नहीं, हम बताते बताने का प्रयास तो रखते हैं लेकिन अब देखने वाले पर भी डिपेंड करता है कि कमेंट करके बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना हाई फाई नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, हाई फाई हम बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 96 के बाद। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं बाद में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 97 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। IMP कर दो, टफ भी है, दिमागी है कि नहीं। तो एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना है 176। बहुत बढ़िया बराबर, अरे उसको लिखना तो पड़ता है क्या उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग की, तो भुजा का लंबाई दे दिया 4x है 1/2 और 4x और प्लस 7 है और उनका जो ऊंचाई है बोलता समांतर भुजाओं के योग, तो योग कितना हो गया 11x का कितना है 2/11 है, कोई दिक्कत। तो यानी कितना हो गया ये 2x है, मतलब सीधे इधर अगर चाहे तो कर सकते हैं 11x का 2/11 कितना होता है जी, ऊंचाई कितना है 2x,
क्लियर। तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लिए, इसलिए दू दू क्या हो गया जी, खत्म। और इधर 11 से कट जाएगा, कितना बार में 11 में 11 11 11 छक, तो इधर हो गया x, इधर कितना बचा, अरे इधर सीधे हो गया x और गुना x, कितना हो गया x स्क्वायर बराबर कितना 16, x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो भुजा कितना कितना निकल गया जी, निकल गया 4x निकल गया, 4x निकल गया 16, और 7x निकल गया 28। तो फिगर बनाना होगा तभी तो कुछ कुछ आगे बढ़ पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि इस तरह कैसे किस जाने पाएंगे। तो क्या बोला प्यारे बच्चों, तो कुछ कुछ फिगर बनाना होगा, फिगर इस तरह से बनाते हैं, बोला उसके एक विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये विकर्ण ये निकालना है कि नहीं, अभी जो बताए थे, ये बताओ, ये कितना है 2x है, मतलब नाम देते हैं 2x का मतलब कितना होता है, 2x का मतलब 8, तो ये हो गया 8, कोई दिक्कत। और ये कितना दिया हुआ है 4x, मतलब कितना 16, ये कितना था पूरा, ये भी 16 हो गया। आप बोले तो दोनों बराबर बराबर होता, पहले बोल दिए थे कि ये और ये बराबर होता है, तो 28 में 16 चला गया 12, तो इसका मतलब ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये कितना हो गया ये मिलकर 22। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर है, देखो ये निकालना है, तो ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर, तो इसका मतलब 8 स्क्वायर प्यारे बच्चों, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 22 का स्क्वायर 484, तो 4 कितना हो गया 8, और 6 8 14, और 6 4 10 1 1148 का रूट अंडर कितना होगा, 500 तो कितना हो जाएगा 4 1 548 का रूट अंडर कितना होगा, तोड़ के दिखाए हैं, तो 548 हम तोड़ेंगे कैसे, तो वो भी तोड़ने में सिखा देते हैं, 2 से पहले देते हैं, 2 से 2 दुना 4 हाथ में 1, 2 से 14 और 2 चौका ठीक जा रहे हैं ना, 2 से 2 एकम 2 और 137 दुना 274, अरे यही निकल पाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√1 137, यही आंसर हो गया, क्या लगा बता दिए। देखने में लंबा लंबा 96 देखो लग रहा है, लेकिन आंसर बात देखो चुटकी में हो गया, ठीक है, अगर भारी लगा तो बोली बोलो एकदम, हम सब बढ़िया से अभी ऊपर में अभी समझाए थे इसको कि ये 16 तो ये भी 16, ये 8 दिए दिया, यहाँ सब निकाले हैं और इधर दिखा भी दिए थे, ठीक है, ये एच था, एच कैसे, एच बोला था दोनों भुजाओं का योग का 2/11 है, ये भी हम बता दिए थे। तो मिनटों का काम सेकेंडों में खाली बस सोचना है और बस लगाना है, ठीक है, किताब वाला आंसर नहीं देखना, किताब वाला में बहुत लेंदी आंसर दिया रहता है, ठीक है, तो अपना दिमाग लगा के तेजी से बनाना है, और आज दिमाग आज का जमाने में अगर तेजी अगर आपके अंदर में नहीं है तो आप SSC को एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जाम बहुत जरूरी है। और याद रखो मैथ, राहुल और सूरज सबको बोल रहे हैं SSC एग्जाम आगे देगा, हमको पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैथ को खतरनाक रखो, सुनो अगर मेरा फिर बोल रहा रिजल्ट अगर रुका कभी लाइफ में तो सिर्फ मैथ के कारण, इंग्लिश में हम ला ही देते थे लगभग नंबर, और मैथ के कारण रुका, तो मैथ को खतरनाक रखना, और इंग्लिश भी करना होगा, दो विषय रखो क्योंकि इंग्लिश से और मैथ काम दे रखा, ठीक है, GK DK फलना देखना जो तुम लोग देख रहे हो ना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रुप डी रेलवे NTPCS के लिए ये सभी जरूरत है, तो उसे भी स्ट्रांग करो, लेकिन इंग्लिश मैथ को खासकर मेहनत करो, टफ टफ क्वेश्चन को बनाओ, इजी क्वेश्चन को बनाओ, इजीओ में कभी कभी फंसोगे जैसे हम फंस जाते हैं, तो ये सब याद रखना, मेहनत पूरा जी जान से लगा दो और किसी पे ध्यान नहीं दो, सिर्फ पढ़ाई के अलावा किसी पे ध्यान दो, कोई काम नहीं देगा, फिर बोल रहे हैं इस दुनिया में कोई काम नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारा जो बुद्धि है वही काम देगा और वही जरूरत है, उसी को लगाओ, किसी से ज्यादा टंठा नहीं, सबसे प्रेम रखो, प्रेम ही दुनिया का सारा मोरा एक ही सिद्धांत है कि सबसे प्रेम रखो सब ठीक हो जाएगा। 98 पे पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, 98 में क्या बोल रहा है, ABCD एक AD और BC समांतर का लंब है, तो लंब है तो अच्छी बात है, तो AD और BC, AD BC, ठीक है, अब भुजाओं का समलंब है, EBC पर एक बिंदु है,
ई जो है बीसी पर एक बिंदु है, बढ़िया बिंदु है। अब क्या बोला, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी का ना है जी, अरे पूरे ए बी सी डी पूरे है, तो इसका मतलब ये ए मान लो ना, मान लो ये पूरा मान लो, बी जो मानते हैं क्या ए बी सी डी, और क्या बोला था ए ई डी, ए ए ई और ई डी है ना, बढ़िया लिखो ए ई डी यही ना, क्या कुछ कहना चाहते हो, वही ना कुछ कहना चाहते, ये लंब वाला ये एच कर, ये क्या मानते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब कुछ जरूरत नहीं, इसीलिए बाबू समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल भी सीखे हैं, एक बटे दो और ए प्लस बी, ए का नाम क्या है, चूंकि आंसर बाबू उस तरह से है, ए डी प्लस फलना ढकना, ठीक है, तो इसका नाम क्या है ए डी, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं, ए डी प्लस बी सी आर गुना एच, तो पता ही नहीं है इसलिए एच, और बटे होता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो, और आधार का नाम है एडी, और बोले थे यही वाला नाम होता, अगर मेरा अगर पहले से क्लास लगभग कर रहे हो तुम लोग तो ये हम बता चुके थे कि इस तरह त्रिभुज भी रहेगा, जैसे ये त्रिभुज रहेगा इस तरह का त्रिभुज रहेगा, तो यही वाला लंब जो है काम करेगा, हम बता दिए हैं, हम पहले वाला वीडियो में सब में बताया, तो ये ए डी और गुना वही एच हो जाएगा, एच एच कैंसिल, एक बटे दो एक बटे दो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी और बटे ए डी बी सी, कुछ नहीं और क्या, अच्छा दिखना है, अरे राम राम, अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला हो गया सर, अगर एडी भी कॉमन ले ले तो, हाँ एडी कॉमन कैसे लोगे, करने से दोनों, हाँ तो कॉमन उससे लिया, तो एडी कॉमन लोगे तो हो जाएगा, एडी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, तो वन प्लस बी सी बटे एडी हो जाएगा, ये हो सकता है, उस तरीके से कॉमन लोगे ठीक है, ये भी बात सही बोला कि अगर कॉमन ले भी लोगे तो तुम्हारा आंसर बात थोड़े आएगा, तो जिस तरह से आंसर दिया रहे उसी तरह करना है, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं बढ़िया से फेर कर लो और हमारा आंसर बात देख कर करो, उस किताबा में बहुत रहता है आंसर, अपना बनाओ और दो बटे ग्यारह लो, वो ज्यादा आंसर इम्पोर्टेंट है, सबको बना के रखो, हार्ड क्वेश्चन उसका आंसर वो रख के रखो कि इसका आंसर ये होगा, फटाक मारने सीखो, समझे ना सर, कभी कभी भेंट मिलाकर तो ये जाता है, तो सब तरह से एकदम स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर बोल रहे हैं शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ आएगा, फिर बोल रहे हैं शुरू शुरू में मेहनत जब करेंगे ना तो बड़ी तकलीफ है आएगी, क्योंकि हर चीज में शुरू में बड़ी तकलीफ होता है, ए बउआ सब चीजें में तकलीफ होता है, फिर आदत बन जाएगा, समझे ना, शादी होगा, ए इधर देखो, शादी होगा दो चार साल तो बड़ी तकलीफ, लेकिन फिर आदत बन जाएगा, कंप्रोमाइज है कि नहीं, चलते रहो है कि जिंदगी भर तब होते रहे, तो शुरू शुरू में सबका आदत मतलब लगभग टेंशन चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको समझने लगता आदमी को, उसी तरह की पढ़ाई भी है, शुरू शुरू में दिक्कत आएगा, समझे कि ना समझे, इसको फुसलाना पड़ेगा बाबू, रुको रुको ठीक है बाबू, बाबू जैसा एकदम बाबू समझ सही पर रखना है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, क्या झटका मारोगे क्या, चलो 99 बनाओ तुम लोग, 99 का झटका, चलो 99 बनाओ तुम लोग, बना सकते हो, कुछ नहीं दम है, मिनटों का काम सेकंडों में अगला, बोलो आंसर, तुम बोलने में क्या जाता है, अट्ठाईस तो बोल दो एकदम, पढ़ा बना लिया तो छोड़ एकदम चुपचाप रहते हो, सब बना के बोलो एकदम, ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया इसका क्या बोला है, एक अब दिया वो भाई एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर है चार और छह, सौ छ और आठ, और गुना कितना, गुना ऊंचाई भी दे दे चार, यहाँ से कटाओ दो बार में 14 दुना
28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिनटों का सेकंडों में देखते ही मुंह मुंह से बोल तो सकते थे कि नहीं, और बोलता चुपचाप ना रहो एकदम, तुरंत आंसर बता दिया करो, ठीक है, पता चलना चाहिए कि हाँ आंसर ये लोग भी बताता है। हाँ ऐसे तो थोड़े हो गया, आप जो है ना दूसरे स्टूडेंट को भी लगेगा, क्योंकि हम देख रहे थे शुरू में अब तुम लोग का क्राइटेरिया बदल गया, अब हम क्या हो रहा है, तो क्राइटेरिया अब चेंज हो गया तुम लोग का। सुन लो इधर, अब जो सैटरडे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का अब नियम बदलेगा, राजू राहुल का जो नंबर है 45 प्लस लाएगा तो पास होंगे, मतलब पास मतलब भाई टॉपर हो पाएंगे, काम आएगा तो टॉपर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब नंबर धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, बात समझे कि ना समझे। और सचिन का भी फर्स्ट एग्जाम है तो अभी कुछ नहीं इसका बदलेगा, इसका वही 20 नंबर अभी है, क्योंकि एक एग्जाम देने से नहीं पता चल पाएगा। बाकी निर्मल का वही 20 नंबर, पंकज का पढ़ने ठीक है, पंकज का तो बढ़ ही गया उसी दिन बोल दिया, 30 नंबर उसका रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, इससे क्या होगा हम लोग का रिजल्ट की ओर, पहले ये लोग 50 तक नहीं जा पाता था और अब 60 भी पार कर गया है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये लोग बढ़ रहा है और बहुत खुशी की बात है, अब बहुत स्टूडेंट तुम उससे टकरा नहीं पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 99 के बाद 100 पर आ जाते हैं, शतक मार ही लेते हैं, इसमें भी शतक मारना बहुत जरूरी है, एक सेंचुरी मार लेते हैं। तो बोला समलम आकार के क्षेत्रफल उसी तरह तो दिया है क्या, 1440 हो गया, तुम लोग भी साथ साथ मिलके बनाओ, 1440 हो गया, 1/2 हो गया, और एक वो है 3x ना, कितना है 5x और 3x, तो कितना हो गया, सीधे लिख सकते थे, ठीक है, और गुना कितना दूरी दिया हुआ है तो 24, तो इधर कटा देंगे इधर से 12, 12 14 से पढ़ा होगा, ठीक है, और 8 से ही कट जाएगा, 15/8 से, ठीक है, 8 सेंटीमीटर x का मान हो गया, हमको क्या निकालना, बड़ी समांतर भुजा, बड़ी है 5x, तो कितना हो गया 8×5=40 सेंटीमीटर, क्या तो मुंह में ई नहीं, 5x और 3x 8x स्क्वायर कर देना, 8x होता है, तो ये वो x खाली बचेगा, क्या कुछ बोलना चाहते, 15/8 की, ठीक है ना, अंदर फिला लीजिए ना, 5×8 हुआ सर, अच्छा 8×1 कटाके 15 बार में कटेगा, सॉरी छोटा, तो 5×8 = 15 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15×5=75 सेंटीमीटर होगा, तो ये ध्यान रखे थे सचिन, आज हमको बताया कि यहाँ पे देखिए 5×3=8 ही होता है, तो 15×8 हम लोग उल्टा कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हमारा 100 भी चल गए और 101 भी बन जाएगा, है कि नहीं, तो 101 रहा होमवर्क, ये बना लेंगे हम स्क्रीन पे, क्वेश्चन को दे देंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तुम लोग ने बोलना भी आंसर, ठीक है, तुम लोग घर में बना लेना, दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, तो होमवर्क का 101 क्योंकि 101 आराम से बनेगा, खाली बना बैठा देना और कुछ नहीं, और 102 इम्पोर्टेंट है, 102 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 102 हम बना देते हैं, मतलब एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना है, ट्रेपेजियम क्षेत्रफल कितना है, 473, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बराबर है उनके समांतर भुजा वही है a+b 1/2 a+b * कितना होता है h, h का मान दीजिए 19, तो 19 से कटा देंगे ये वाला, 19 × 38 आ रहा है यहाँ पे 9, 19×5=95, तो a+b कितना हो गया 50, और उनके भुजाओं का अंतर दिया हुआ है 4, तो a-b कितना 4, तो आराम से 50 है, ए निकालना है तो दोनों जोड़ के आधा कर दो 27, और बी निकालना घटा करके आधा कर दो 23, दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ बताओ, डेंटो का काम सेकंड दो, तो ट्रेपेजियम हो गया खलास, ट्रेपेजियम हो गया खलास, थक ना जाते हो जी, एनर्जेटिक रहो एकदम, खा पी के एकदम आओ एकदम तंदुरुस्ती के साथ एकदम, आज एकदम पढ़ना है और सब FDL का जितना क्वेश्चन सब बनाना, उसके बाद RS के बाद भी जल्दी खत्म करो, था ना RS वाला, अभी तो आज तक लाइव में RS वाला किसी किताब में नहीं किया, तो इस बार एकदम RS वाला करेंगे हम लोग, किसी मतलब थी क्लास में नहीं किया किताब, तो आज हम लोग आप चलेंगे वृत्त, वृत्त के बारे में कहानी सुने हो पहले, तो वृत्त होता है देखो ये वृत्त होता है, वृत्त में सबसे पहले ये केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ के बीच का दूरी R कहलाता है, और अगर इसी में और एगो बना देंगे तो ये बड़का R कहलाता है, तो इसको कहते हैं वलय,
और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, रास्तवा का क्षेत्रफल मतलब वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। इस रास्ते इसको कहता है रास्ते का क्षेत्रफल, जब इस तरह बने रास्ते का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई और बड़का स्क्वायर माइनस छोटका, पाई और बड़का आर प्लस आर और छोटका माइनस इस तरह भी पास पास, ठीक है। तो होगा पहला फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर वृत्त का परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr या सीधे अगर d दिया रे तो पाई d। तीसरा नंबर प्यारे बच्चों बोलो क्या जरूरत पड़ेगा, तो पड़ेगा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत, 36/7r, सीधे उतना लंबा नहीं करेगा, ठीक है, 36/7r, पायर तोड़ तोड़ता के वही लाओगे तो उतना बार बार उतना लंबा क्यों खींचेगा, 36/7r। उसके बाद अगर लिखना चाहते तो बोलो लिखना चाहता है पाई आर प्लस टू आर ही होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, अभी इतना नहीं अभी इतने हुआ है, चाप से रिलेटेड आएगा। अभी देखो यहाँ पे ये केंद्र से ये वाला और ये वाला क्या कहलाता है, ये पूरा क्या कहलाता है बोलो बोलो, ये चाप कहलाता है ना, इस चाप का लंबाई यहां से यहां तक ये क्या नाम दो, ए बी, चाप ए बी का लंबाई जानते हो क्या, ए बी की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर ये थीटा होता है, ठीक है, थीटा बटे 360 वही 2πr याद है। और होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल यहां से क्या क्या होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप का मतलब क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये यहाँ ये वाला क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, वृत्त खंड का क्षेत्र छोट का क्षेत्र पर, तो ये बाबू इत बड़का में अगर ये पूरे बड़का में त्रिज्यखंड क्षेत्रफल 360 गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता ई हो गया आर, ये भी आर, 1/2r² sin θ, 1/2r² sin θ, सूत्र बताए तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो थीटा बटे 360 पाई पाई थीटा सीधे लिखता है, और माइनस आर इस पर ले लेते 1/2 sin θ, ये सूत्र दिया रहता दसवां वाला में, तो ये तीन सूत्र एकदम क्या कर दो, एकदम गर्दा उड़ा दो, इधर उधर लभी गर्दा उड़ा दो, अब सवाल बनाएंगे। उसके बाद एक याद रखना d बराबर होता 2r, ई नहीं की बार बार बताना पड़ेगा, d मतलब व्यास, ठीक है। सब चीज आ गया होगा, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा हमको कि किस किस चीज में आप लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम थोड़ा हाईली बताते हाई थोड़ा बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लोग समझ आता है इसलिए इतना बताते हैं, मतलब क्या बोलते हैं शॉर्ट में थोड़ा तेजी से, अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो बताना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दें ये वाला, देखो फिर से बता रहे हैं, ये पूरे बड़का त्रिज्यखंड ये यहां से यहां तक लघुवृत्त खंड, ई पटी दीर्घ वृत्त खंड, लेकिन उसका सूत्र होता है पाई स्क्वायर में बड़का में घटाना होगा लघु वृत्त खंड, ठीक है, तो दीर्घ वृत्त खंड करता है। और ये वाला देखो त्रिभुज है क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है और ये वाला चाप है, ये ए बी का ये लंबा है, ठीक, आर के जिसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब सवाल पे आ जाए तब आ ही जाते हैं, फर्स्ट टाइम आ जाते हैं, तो सवाल नंबर क्या बना पाएंगे क्या उसमें है? बना पाएंगे क्या, कोई कुछ नहीं बोलता है जी, ये राजू पंडित ने कुछ बोलता है, 103 नंबर में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोल क्या हो गया तुमसे, यदि 30 तुम तो हंसी लगा देते हो, यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चार बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श कराओ जी, 1 2 3
4 यही ना। एक दूसरे को स्पष्ट कर पाया है ऐसा बनेगा। चारों करेगा ने करेगा अलग अलग करेगा दोनों करेगा एक दूसरे को बोला है ये और ये करेगा और ये और ये करेगा ये होगा ये करेगा तो ये भाग रहने दो कादो की चक्कर और उसके बाद त्रिज्या कितना कितना दे दिया सभी का त्रिज्या कितना है बराबर है ये है 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर ये भी तीन यहां से ये भी तीन और ये भी अरे वर्ग बन गया बीच में तो बोलता है उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल ये वाला ज्ञान आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे अगर हम ये इसका क्षेत्रफल घटा कर देंगे इस सब का क्षेत्रफल ठीक है ये क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा तो पूरे बन जाएगा एक देखो ये चौथाई बनता हमेशा तो चौथाई बनता तो इसका मतलब सीधे वृत्त का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया और माइनस क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया जी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई 3 स्क्वायर ना पाई आर स्क्वायर और ई माइनस जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 3 3 6 हो जाएगा तो 6 पर उल्टे हो गया ना वर्ग का क्षेत्रफल में घटेगा ना वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 3 6 भुजा हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस पाए और 3 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 36 और माइनस कितना हो जाएगा 9 पाए कॉमन ले लेंगे क्या 9 तो 4 माइनस पाए दिस इज द आंसर। चलो तब आगे बढ़ते हैं आंसर मिलाते हुए चलना देखना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अब 104 भी उसी टाइप का है तो तुम लोग बनाओ ना क्या एकदम उसी तरह का हूबहू है उसी तरह हूबहू है तुम लोग बना के दिखाओ जल्दी और आंसर जैसे आगे तो बता देना इससे क्या होगा आदत बनेगा कि हाँ स्पीड में बना पाते हो। तो आप लोग को भी बताना है अगर भारी लगे देखिए टफ टफ क्वेश्चन भी हम बना के दिखाएंगे तो आप लोग को एकदम लगातार वीडियो को देखना है विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो कर ही लेना है क्योंकि हम इसमें अलग अलग तरह के वीडियो मतलब लाते हैं पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी दुनियादारी गोफा लाठी सब लाएंगे तो देखते रहिएगा हमारे चैनल को ठीक है। चलो 104 आंसर जल्दी बताओ इतना देर के फिक्र बनाने की जरूरत पड़ेगा क्या लेकिन फिर भी बना लो बड़ी लेट करता तुम राहुल कौन वाला ए बी सी डी बता दे सी नंबर लॉक कर दें तुम तो 104 नंबर में क्या बोला प्यारे बच्चों 4 उस में अभी 4 वाला है तो मुंह में कर देंगे सीधे क्षेत्रफल छायांकित भाग का ही बोलेगा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वही वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई और गुना 4 स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया 64 यहाँ पे हो गया 16 पाई तो कॉमन ले लेंगे 16 तो 4 माइनस पाई दिस इज द आंसर है कि नहीं फिगर बनाने की जरूरत है वो बनाए ना सीखे ना दूसरा भी उसी तरह का होगा। चलो 105 में जल्दी बताओ सेकेंड में आई होप कि आप लोग भी समझ रहे होंगे ठीक है जो बनाए चुकी इसके पहले बनाए 103 उसी टाइप का था ठीक है
जल्दी 105 बताओ, देखते ही आंसर। टाइम ओवर हो गया, इतना लेट करेगा तो 105 बोला एक अर्धा का क्षेत्र का परिमाप दे दिया। अब परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं 36/7 r बराबर कितना दे दिया 18, कितना बार में तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह से मिल नहीं रहा है तो पूर्णांक 3/1/2 सेंटीमीटर। अब ठीक, क्या मजा आ गया कि नहीं था? इसलिए 36/7 बार बार बोल रहे थे, उतना हम लोग तोड़ेंगे करेंगे। अरे राम राम, तो लाइट गया गॉन, हम हो गए फिर भी चालू। तो ऐसे ही देखिए, मेहनत कीजिएगा ना तो परेशानी ढेर आएगा, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, काम करना है। चलिए आगे, समझ में आया? देखिए कितना मिनटों का सेकंडों में बचा कि नहीं दम, 6/7 आर लिए तुरंत ही बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 106 नंबर तो बहुत ही सिंपल एगो चीज बता देते हैं, बताए नहीं भूल गए। तो 107 नंबर, 106 नंबर वाला में क्या बोला कि किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, या देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर जो होता है R1/R2 का होल स्क्वायर होता है, याद रखना। बस वही करना है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया कितना 4/7 और बराबर R1/R2 का स्क्वायर होता है। तो पूछा कौन से उनके त्रिज्या का अनुपात, तो खाली स्क्वायर को इधर कर देंगे तो √4/7 बराबर R1/R2 तो हो जाएगा 2/√7 R1/R2। दिस इज द आंसर। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या मजा आया कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, एकदम उड़ा दो एकदम। एक सौ छह के बाद 107 नंबर आ जाए, समझ लो किसी को कोई दिक्कत ना। क्या अरे बम बम, समझ में आया तुम? हाँ सर। और कितना दिन तुम्हारा बचा है आज? और 11 दिन तुम्हारा बचा है, पढ़ लो बढ़िया। कौन सी का महीना को लेगा, छोड़ देना है कि नहीं? वो क्या बोले, छोड़ देना? छोड़ना तो हम तुमको बोले ना, जब टेस्ट बन देगा तुम की देंगे। अरे बाप रे बाप, तुम नहीं छोड़ेगा हम छोड़ाएंगे ना, तुम तो टेस्ट नहीं देगा, हमारा बात नहीं है। हाँ, तुम्हारा बात चलेगा, तुम्हारा बात नहीं चलेगा। एक वृत्ताकार मैदान के चारों खाली पढ़, एक मिनट, पढ़ पढ़ के क्या हो जाएगा? मान तुम पढ़ ये रहा है तो पढ़ के क्या होगा? जब रिजल्ट दे पाएगा तो तुम्हारा घर वाला बोलेगा क्या पढ़ता था, दूसरा बोलेगा तो वो हमको फर्क नहीं पड़ता, घर में बोलेगा तब क्या तुम बोलोगे? बोलो, बाकी से हमको थोड़ा ना मतलब रहता है, लेकिन घर वाला जब बोलेगा कि क्या पढ़ते थे तो क्या बताएंगे? चलो आगे बढ़ते। दो एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर वृत्ताकार सड़क है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वृत्ताकार मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार सड़क है, दोनों सड़क, यदि सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, कितना 66, बढ़िया है। देखो यहाँ पे पहले क्या बोला, ये देखो, ये आर छोटका आर है ना, अरे बड़का आर, यही बोला, कुछ बोलो ना, तुम कुछ नहीं बोलता है। तो सड़क की चौड़ाई क्या है? हाँ, तो इस सड़क का चौड़ाई निकालना है, यही ना निकालना, सड़क का चौड़ाई एक डायरेक्ट लिखे है यहाँ पे, सड़क की चौड़ाई अगर निकालना है तो बड़का आर में छोटका आर घटा देंगे तो यही ना हो जाएगा जी, ना होगा, देख लो फिगर से। तो बोला दोनों वृत्तों की परिधि का अंतर, तो परिधि बराबर क्या होता है? 2π बड़का आर माइनस 2π छोटका आर, यही ना, बराबर कितना दे दिया 66 दे दिया, बहुत बढ़िया। और ये 2π कॉमन हो जाएगा, 2π और बड़का आर माइनस छोटका आर, देखो वही ना निकल गया सड़क का चौड़ाई, देखो, बोलो तो हाँ हाँ करो, और बराबर 66, तो आर माइनस आर बराबर 66 और बटे 2π मतलब 22/7, ये 22 + 66 हो गया, 21/2 आंसर हो गया, जैसा देखा 21/2 का मतलब 10.5 सेंटीमीटर मीटर। मजा आया कि नहीं? खाली फिगर देखना था, थोड़ा समझना था और काम हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, हिसाब बारी से थोड़ा सा मेहनत करो तुम लोग,
तुम आगे बहुत जाओगे, बड़ा बड़ा एग्जाम निकालोगे, इंस्पेक्टर पोस्ट लेना, जो हमरा हम कहते रहे हाँ, हमारे मास्टर साहब कहते रहे, लेकिन हम लोगों ने हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा गलती है। लेकिन तुम लोग भी अगर नहीं मानोगे तो हमारा की जाएगा, तुम लोग भी दूसरे सुनाओगे कि हमारा भी मास्टर बोला करते थे, तुम लोग भी यही सुनाओगे, नहीं अच्छी तो सुना नहीं पाओगे कि हमने, तुम लोग ये सुनाना कि मास्टर बोला और हम लोग कर दिए तो ये मजा आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा सुनाओगे तो मजू आ जाएगा। एगो ठीक है, एगो कौन डायलॉग था, कौन मास्टर अभी मारा कि बाप दादा बाप अपना बेटा को क्या बताओगे जी, जब तुम्हारा बेटवा देखेगा एसएससी इतना छोटा एग्जाम नहीं निकाल पाया तुम कभी कभी ये सोच करके बड़ी खराब लगा कि बेटा जब तुम्हारा देखेगा एग्जाम एसएससी वाला देगा, वो देखेगा तो इतना छोटा पापा नहीं निकाल पाया है कि नहीं, बड़ा तकलीफ लगेगा, इसलिए निकाल के दिखाओ, कोई ऐसा एग्जाम बना नहीं जो तुम लोग से निकला नहीं, बस ठान लो होगा तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। 108 नंबर, 108 क्या बोला जी, 108 में बोला कि 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या कितना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक वृत्ताकार पार्क है यही ना, यही ना कुछ पूछ बोला जी, 7 मीटर चौड़ा एक पथ है, देखो इसका अभी दे दिया, इसका ये कितना दिया है 7, और उसके बाद क्या बोला है जिस, और सारण चौड़ा एक वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पार्क की जिसका त्रिज्या कितना है, ये दे दिया 18, ये दे दिया 18, और ये भी कितना हो जाएगा 18 7 कितना हो जाएगा, ये तो ये 18 तो 18 7 कितना हो जाएगा 25, तो की पूछा है, पूछा की सड़क का चौड़ाई यही ना, क्या बोला सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल कितना नंबर आ गया जी, 108 नंबर आ गया क्या, 107 नंबर कहाँ बनाया जी, बन गया था 108 यहाँ लिखे काम, 108 में क्या बोला कि पद का क्षेत्र, अभी पढ़े थे ना जी, पाए बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, अभी पढ़े थे ना पद का क्षेत्र, तो पाए का मान कितना हो जाएगा 22/7, और इसका मतलब बताए थे बड़का आर प्लस आर और छोटका बड़का आर माइनस, तो मुहे में 22/7 हो गया, आर प्लस आर एक बार हो गया 25 और एक बार हो गया 11, एक बार हो जाएगा कितना 25 में 18 गया 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 खत्म। अरे ये नहीं हो गया सचिन ये वाला, ये पूरा कहलाता है, ये आर बड़का आर माइनस आर कहलाता है और ये बड़का आर प्लस आर ये कहलाता है ना, ना ना ये तो नहीं है ना, ठीक लिखे है ना जी 18 7 25, तो 25 और 18 कितना हो जाएगा, गड़बड़ लिखे है ना, बड़का कितना हो गया 18 7 25, और छोटका कितना है 18, और ये है दिया हुआ कितना 7, तो 7 7 कैंसिल। अरे देख लो गलती नहीं हो, ये बड़का आर यहाँ पे इस सूत्र को देखो ना, दूसरा क्या देख रहा है, तो कितना हो गया 22 × 25 = 18 कितना होता है 43, 22 × 6 = 8 हाथ में 6, 22 × 88 = 6 = 94, 946 में है। कुछ समय पहले पढ़ा कि नहीं तुम लोगों को, पहले बता लो तब हम फिर इसको हम लोग फिर और बढ़िया से करेंगे, फिर से बता देते हैं। देखो ये पद का थोड़ा ईस्वी को ना बताए थे आर बड़का आर माइनस आर कहलाता है, आर ई दिया हुआ था आर, ठीक है 18 दिया था तो ये भी 18 हो जाएगा, 18 7 कितना हो जाएगा बड़का, सीधे बड़का कितना हो जाएगा 25, बड़का 25 और छोटका कितना 18, तो यहाँ बड़का प्लस आर था ना, तो 18 7 25 हो गया, यानी 25 और प्लस ई छोटका 43 और ई दोनों मिलाकर के 7 दिया था, क्या समझ में आया, ये बार लिख के वहां दिखाए, पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा क्या, लिख के दिखाना पड़ेगा तो बोलो। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर, 108 नंबर में क्या बोला बता दियो, 109 नंबर में बना के देखो, प्रयास करो प्रयास करो, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमें ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बाबू, 10 बजने वाला है, तो 109 नंबर, 109 नंबर में क्या बोला, जल्दी बनाओ तुम लोग बनाओ, अरे फुलटस को सामने जल्दी, इतना देर लगा, चलो
199 बल 2 संकेंद्रीय वृत्त संकेंद्रीय वृत्त मतलब वही होता है प्यारे बच्चों, देख लो ये संकेंद्र मतलब केंद्र समान, ठीक है। एको का व्यास कितना हो गया 8, त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 4, दूसरे का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5। तो ये अभी ना पढ़े थे के की पूछा फिर से, उनके बीच घिरे क्षेत्रफल है, अभी बताया था इसका मतलब पाई और बड़का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 22/7 और बड़का आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई में आंसर है क्या? तो इसको पाए रखें तो 9 सीधे 9 पाए सीधा क्या। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि 10 बज गया, टाइम हो गया ओवर, अगले क्लास में मिलेंगे। और भी बताना था लेकिन बना करके लोग देखेगा, 111 तक हम सोचे थे चल जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए। तो अगले क्लास में आप लोग देखते रहिएगा और इंजॉय करते रहिएगा, थोड़ा बोर भी हो जाते होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो हमारा एक ही कार्य है आप लोग आगे बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।